हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्रोस किचन। मैं हूं आपकी होस्ट संध्या और आज की रेसिपी है राजमा मसाला, जो कि मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है और ये बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाते हैं। और इसे मैंने ढाबा स्टाइल बताया हुआ है, जैसे कि उसमें तुरंत तुरंत मसाले डाल करके और बहुत जल्दी से बहुत अच्छी रेसिपी बना करके तैयार की जाती है। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की जरूरत होगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए इन्ग्रीडियंट्स देख लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए राजमा, ये मैंने रात भर भिगो करके रख दिया है। और आप इसे थोड़ा जल्दी भिगोना चाहते हैं तो इसे कुनकुने पानी में आप भिगोएं। तो ये देखिए राजमा मेरा छोटी जो छोटे हैं इसके साइज़, कई इसके अलग अलग वैरायटी आती है राजमे की। ये ज़्यादा डार्क कलर नहीं है, कुछ बहुत डार्क कलर के आते हैं, कुछ लाइट कलर के आते हैं। तो ये अलग अलग राजमा आपको मार्केट में मिल जाता है और पकने में ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो मैंने 1 कप राजमा लिया था और उसमें 2 कप पानी डालेंगे। जैसे ये कॉफ़ी मग है तो 2 कप के बराबर है, तो ये मैंने पूरा इसमें पानी भर करके डाल दिया है। अब इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और नमक ऐड करके इसे हम ढक करके पकने के लिए छोड़ देंगे सीटी लगा करके। इसमें क्या है कि मैं 2 सीटी दूंगी हाई फ्लेम पे, उसके बाद धीमा करके इसमें कम से कम हम 8 सीटी आने देंगे, क्योंकि ये राजमा पकने में टाइम लेता है। और अगर आप जल्दी पकाना चाहते हैं तो इसमें आप मीठा सोडा ऐड कर दें, वो बहुत जल्दी आपके राजमे को पका देगा। उसमें 8 सीटी की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, 4 से 5 सीटी में हो सकता है आपका राजमा पक करके तैयार हो जाए। और ये राजमे की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है। तो अब हम जब पूरी तरह से गैस निकल जाएगी तब हम इसमें खोल करके देखेंगे। तो ये देखिए राजमा काफ़ी अच्छे से पक चुका है। देखिए कुछ तो स्प्लिट हो गए हैं लेकिन कुछ नहीं हुए हैं। तो अब इसके लिए मसाले देख लेंगे हम। तो हमने राजमा ये जो उबाल के रखा था ये पानी सहित मैंने लिया है, इसे अलग रख देंगे। 1 मीडियम साइज़ के प्याज का पेस्ट बना करके ले लिया है, काट के इसे ग्राइंडिंग जार में पीस लीजिए। इसी तरह से 2 मीडियम साइज़ के टमाटर का हम पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। ताज़े मसालों में हमें चाहिए 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, ये मैंने क्रश करके ले ली है। 2 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे भी क्रश करके ले लिया। इसे कुटनी में कूट लें इसे, या पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। 1 छोटे साइज़ का प्याज है, इसे बारीक काट लिया है। 2 हरी मिर्चें, ये भी हम बारीक काट लेंगे। मसाले देख लेते हैं आप। तो इस समय सूखे मसाले में हम सबसे पहले चीनी यूज़ करेंगे, चीनी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये 1/2 छोटा चम्मच चीनी है, आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा मिठास आती है। नमक स्वादानुसार लेंगे, नमक हमने राजमा में ऐड किया है तो ध्यान से नमक का यूज़ करें। 1/2 टीस्पून हींग, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर है, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, ये तीखा लाल मैंने लिया है, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी। तो मसाले देखे हैं आपने, बहुत ही बेसिक लिए हैं। और इसे पकाने के लिए हमें चाहिए होगा कुकिंग ऑयल, तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मैंने रिफाइंड यूज़ किया है। तो सबसे पहले मैंने 4 बड़े चम्मच तेल लिया है कढ़ाई में और उसे गर्म करने के लिए डाल दिया। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें हम हींग ऐड कर देंगे। और जब देखिए थोड़ा सा ये हींग पक जाएगी तब इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे, हरी मिर्ची ऐड करेंगे और इसे हम थोड़ा सा पका लेंगे। थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने तक हमें इसे पकाना है। तो ये देखिए इसे हम थोड़ा सा भून लेते हैं ऐसे करके। थोड़ी देर बाद ये देखिए ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं, मैंने बहुत ज़्यादा इसे नहीं जलाया है और इसे डार्क ब्राउन भी नहीं करना है हमें। उसके बाद में जो हमने प्याज का पेस्ट बना करके तैयार किया था वो हम इसमें डाल देंगे। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा छिटकने लगा है, गैस धीमी कर देंगे डालते समय और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब ये जैसे कि कई बार बहुत ज़्यादा छिटकने लगे तो एक बर्तन लेकर के ढकने का, जिसमें ऊपर पकड़ने का हो उसे थोड़ा सा ढक दे तो तड़का ऐसे फैलेगा नहीं। अब इसे हम धीमी आँच में 1 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे कि प्याज थोड़ी सी पक जाए। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए धीमी आंच में मैंने इसे पकाया था तो प्याज थोड़ा पक गए हैं। तो ये 1 मिनट के लिए मैंने रखा था धीमी आंच में, 1 मिनट काफ़ी होगा क्योंकि धीरे धीरे हम मसाले जब ऐड करेंगे तो ये इस पकने की इसकी ड्यूरेशन थोड़ा सा होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। अब इसमें हम अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, पेस्ट या ये मैंने क्रश करके लिया है, आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पर। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें ये लाल मिर्ची पाउडर ये डाल करके इसे हम मिला लेंगे।
ये देखिए अच्छे से मिल गया है और ये राजमा खाने में बहुत टेस्टी लगता है, बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाते हैं। जो भी टाइम लगता है वो राजमे को भिगोने में लगता है, और राजमा भीग जाता है अच्छे से तभी अच्छे बनते हैं। अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे जो हमने पीस करके रखा हुआ था, और इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। और इनको अब हमें थोड़ा देर पकने के लिए छोड़ना है, जब तक कि ये मसाले से जो है तेल अलग ना होने लगे, क्योंकि टमाटर प्याज का पकना भी बहुत अच्छे से ज़रूरी है। तो ढाबे में देखिए फटाफट चीज़ें पड़ती चली जाती हैं और बहुत जल्दी बन करके चीज़ें तैयार, और बहुत टेस्टी बनती है, और हाई फ्लेम में मैंने ज़्यादातर देखा है वहाँ खाना बनते हुए। तो अब इसे हम ढक करके पकने देंगे, 3 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे, एकदम धीमी आँच में 3 मिनट के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम यही पकाने में लगेगा हमें। तो ये देखिए तेल जो है इसने मसाले को छोड़ दिया है और ये पक करके तैयार है। अब इसमें सूखे मसाले हम डाल देंगे, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, चीनी, ये सारे मसाले हम डाल करके और नमक इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए जल्दी जल्दी ही बस होता चला जा रहा है, और देखिए ग्रेवी का कलर भी काफ़ी अच्छा आ गया है, और राजमा बहुत टेस्टी बनेगा आप इसे ऐसे बनाएंगे। इसमें देखिए कोई मैंने अलग मसालों का यूज़ नहीं किया। अब ढक करके 1.5 मिनट के लिए इसे और छोड़ देंगे, 1.5 मिनट बाद इसे हम चेक करेंगे, धीमी आँच में ही छोड़िएगा, हाई फ्लेम में नहीं रखेंगे इसे हम, और इसे हम फिर मिक्स कर लेंगे। अब ये राजमा डालने के लिए तैयार है, तो इसे हम मिक्स करने के बाद इसमें राजमा डालेंगे। जैसे कि ये राजमा इसमें डाल देंगे, होता क्या है कि बहुत सारे लोग राजमा मसाला, पता नहीं मार्केट से क्या क्या मसाले आते हैं, तो हम यूज़ करते हैं जल्दी जल्दी बनाने के लिए, लेकिन इसमें आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी राजमा मसाला या कोई भी, मैंने देखा आपने देखा ही होगा मैंने इसमें कोई खड़ा मसाला भी ऐड नहीं किया है, और ये फटाफट राजमा बन करके तैयार है। आप इसको एक बार ऐसे ही बना करके खाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ कर दीजिएगा और जल्दी से रेसिपी शेयर कर दीजिएगा। अब इसमें हम थोड़ा पानी ऐड कर देंगे, ये थिकनेस आपको कितना थिक चाहिए उस पर डिपेंड करता है, तो ये मुझे थोड़ा सा थिक ही चाहिए था, बहुत पतला भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, तो मैंने इसमें आधे कप के करीब ही पानी ऐड किया। अब इसे ढककर एक उबाल आने तक का वेट करेंगे और हाई फ्लेम में रखेंगे। तो एक उबाल देखकर देख लेते हैं, ये देखिए एक उबाल आ चुका है, अब इसे एक बार मिक्स कर देते हैं। तो राजमा सर्व करने के लिए तैयार है, और इतनी क्वांटिटी का जो राजमा बना है इसे 3 लोग आराम से खा सकते हैं। राजमा चावल बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है और मुझे भी बहुत पसंद है, तो इसे सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको और कौन सी रेसिपीज़ देखनी है, प्योर वेज रेसिपीज़। तो ये देखिए राजमा बन करके तैयार है, जल्दी से सब दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।